Everybody is here, guys. You can see Karan is here, Lokesh is here, Rohit, Surbi, Sahil is here. Okay, I think everybody is here. Shefali is not here, I guess. Okay, so अभी हम लोग ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द करिकुलम, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग. सो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली दो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में मेजरली समझा है, दैट इज फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स. दीज आर द टू मेजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन सो फार. सो हाउ टू यूज दीज टू प्लेटफॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड के ई कॉमर्स एग्जैक्टली है क्या. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हिच ई कॉमर्स साइट्स यू गाइस हैव बीन यूजिंग सो फार. इंडिया में आप लोगों ने कौन कौन सी साइट्स यूज की हैं, या इंडिया से बाहर आपने कभी कुछ बाय किया है, और कौन सी साइट्स आप लोगों ने यूज की हैं. यू कैन जस्ट टाइप इन विद योर इन योर चैट बॉक्स. Okay, Amazon, Walmart, HC, good. Okay, eBay के बारे में सबने सुना है. eBay, type a yes. Okay, so eBay का जो basic business model है, that is something जो सबसे पहला business model था. इस business model को हम बोलते हैं marketplace model. ये अपने आप का एक पहला business model था ऐसा जो मार्केट में आया था. बिकॉज इससे पहले ई कॉमर्स का मीनिंग था कि कोई भी कंपनी है, लेट्स से अमेज़न था इनिशियली. सो इससे पहले ई कॉमर्स का मीनिंग था कि कंपनी विल बाय प्रोडक्ट्स, दे विल कीप इट इन देयर वेयरहाउस, एंड व्हेनेवर समबडी प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन द वेबसाइट, दे विल शिप इट डायरेक्टली टू द कस्टमर फ्रॉम देयर ओन वेयरहाउस. तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टमर को सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो कंपनी के पास वो होना चाहिए. तो इसके लिए कंपनी को एक बड़ी इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ती थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे नीड अ बिगर वेयर हाउस टू यू नो मैनेज ऑल दिस इन्वेंटरी. प्लस ऑब्वियसली उनको अपफ्रंट इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता था बिकॉज दे हैव टू बाय अ लॉट ऑफ इन्वेंटरी अपफ्रंट. मार्केट प्लेस मॉडल बेसिकली क्या था. मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर ईबे ये लेके आया कॉन्सेप्ट के एक पर्टिकुलर सेलर जिसके पास प्रोडक्ट्स है, जो ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो पर्टिकुलरली ईबे के ऊपर आके साइन अप कर सकता है एज अ सेलर, एंड दे कैन स्टार्ट सेलिंग अक्रॉस द ग्लोब ऑन ईबेस प्लेटफॉर्म बेसिकली. अब इसी मॉडल को आज की डेट में हम इंडिया में अगर देखते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन और बाकी और भी जितने ई कॉमर्स पोर्टल्स इंडिया में हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज ई कॉमर्स पोर्टल्स दे फॉलो दिस मार्केट प्लेस मॉडल. तो इसमें बेसिकली सिंपल फंडा है, सिंपल चीज है कि जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स पोर्टल है, दैट विल बी मैनेज बाय इधर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और व्हाटएवर कंपनी इट इज, एंड जो इन्वेंटरी होगी दैट इज मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल सेलर्स, राइट. जैसे आप अगर अमेज़न पर जाओगे, ऑर्डर करते हो कुछ, तो साथ में सेलर का नाम आता है. सो दैट इज एन इंडिविजुअल सेलर. वो मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर सेलर आपको प्रोडक्ट भेज रहा है, ना कि अमेज़न अपनी इन्वेंट्री से भेज रहा है आपको. ऑल्दो अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी कुछ इन्वेंट्रीज रखते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द इन्वेंट्री कम्स फ्रॉम द सेलर्स इटसेल्फ. अब इसका एक नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आया, दैट इज ड्रॉप शिपिंग. सो ड्रॉप शिपिंग पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में बता दूं कि एक ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं बैकएंड पे. हमें फ्रंट एंड पे सिर्फ एक वेबसाइट दिखती है, राइट. सो बैकएंड पे क्या क्या चीजें, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से टीम्स ऑपरेशनल होती हैं जो एक ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती हैं. सो एनीबडी कैन टेल मी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, क्या क्या चीजें एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए चाहिए होंगी हमें. ओके, सो लोकेश सेज स्टोर, एड्स, बायर, सेलर. Current says operations. Okay, anything else? Okay, you guys are right. ये सारी चीजें हमें चाहिएंगी. We need a store first of all. जो products हमें promote करने हैं, we need some sort of you know marketing to promote those products. So obviously we'll need ads over there. We need buyers. जो भी हम लोग marketing करेंगे, हम लोग buyers लेके आएंगे. एंड ऑब्वियसली सेलर्स, जो जहाँ से हम लोग बेसिकली इन्वेंट्री सोर्स करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए. एंड ऑब्वियसली ऑपरेशन, बैक एंड जो भी हमारा होगा वो भी हमें चाहिए.
So in a nutshell, I write down a few important things. First of all, the centerpiece of the whole thing is a website, or we also call it as an online store, basically. So this is the centerpiece of the whole business model कि हमारे वेबसाइट से ही हमारे सारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को देख के एंड वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग दैट रिक्वायर इज इन्वेंट्री कि हमारे हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ऑनलाइन सेल करेंगे एंड वो इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्ट्स जो है हम लोग सोर्स कहाँ से कर रहे हैं। सो इस पे भी हम आएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके बारे में। आफ्टर दैट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग। सो इट कैन बी ऑर्गेनिक मीन्स एसईओ एंड ऑल, ईमेल मार्केटिंग एसईओ एंड ऑल। इट कैन ऑल्सो बी इनऑर्गेनिक। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, आई विल नॉट गो इन टू दैट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज कस्टमर सपोर्ट। ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई कस्टमर एक चीज ऑर्डर कर रहा है हमारे स्टोर से तो ऑब्वियसली दैट कस्टमर यू नो मे नीड हेल्प एट टाइम्स, बिकॉज प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं होते हैं। बहुत बार आप लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर किया होगा तो आपको पता होगा कि बीच रास्ते में ऑर्डर्स अटक जाते हैं ड्यू टू सम शिपिंग डिलेज, लॉजिस्टिक्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग इज वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ अ पेमेंट गेटवे। इफ वी आर सेलिंग ऑनलाइन तो ऑब्वियसली कस्टमर शुड नो हाउ टू यू नो मेक अ परचेज ऑनलाइन। ऑब्वियसली कस्टमर शुड बी एबल टू पे ऑनलाइन। सो फॉर दैट वी नीड अ पेमेंट गेटवे एज वेल। सो कौन कौन से पेमेंट गेटवेज हम लोग यूज करते हैं, विल कम टू दैट एज वेल। एंड आफ्टर दिस जो लास्ट हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हो डिपार्टमेंट कह लो या हमारा रिक्वायरमेंट कह लो कि हम लोगों को जो चीज चाहिए दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। कोई ऐसा टूल हमें चाहिए जहां से हम अपने सारे कस्टमर्स को मैनेज कर सकें, सो दैट वी नो कि जो भी कस्टमर है, लेट्स से इफ सम कस्टमर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई शुड नो दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम कस्टमर। इफ देर इज अ कस्टमर विच इज एक्चुअली प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लेट्स से यू नो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, सो ऑब्वियसली आई शुड नो दैट दिस इज अ थर्ड ऑर्डर और अ फोर्थ ऑर्डर फ्रॉम द सेम कस्टमर, दैट दिस इज अ रिपीटेटिव कस्टमर, दिस कस्टमर इज कमिंग अगेन अगेन टू माई वेबसाइट। सो अकॉर्डिंगली आई कैन यू नो आई कैन गो विद माई मार्केटिंग स्टफ, क्योंकि जो रिपीट बायर्स हैं आई विल ट्राई एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ अ यू नो सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट कूपन्स और सम सॉर्ट ऑफ यू नो बेनिफिट टू दोज पर्टिकुलर कस्टमर्स हु आर रिपीटेटिव। जो फर्स्ट टाइम बायर है ऑब्वियसली उसको भी मैं कुछ ना कुछ ऑफर देने की कोशिश करूंगा, बट जो ऑफर्स हम लोग फर्स्ट टाइम कस्टमर को देंगे और जो ऑफर्स हम लोग रिपीटेटिव कस्टमर्स को देंगे दे शुड बी डिफरेंट इन नेचर बेसिकली, राइट? सो विल कवर दैट इन डिटेल इन द लेटर पार्ट। सो दीज आर द सिक्स थिंग्स दैट वी रिक्वायर मेजरली। इसके अलावा भी एज वी ग्रो इन अ बिजनेस एज अ बिजनेस तो हमें और चीजों की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, बट टू स्टार्ट विद एन ई कॉमर्स बिजनेस दिस इज व्हाट वी नीड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, सो सबसे पहले हमें चाहिए वेबसाइट। तो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन से पोर्टल्स जो हैं हमारे, ऑब्वियसली जितने भी हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऑल दीज आर कोडेड वेबसाइट्स। सो इफ वी आर अ स्टार्टअप और वी आर अ स्मॉल स्केल बिजनेस वी कैन नॉट अफोर्ड सच अ लेवल ऑफ अ वेबसाइट, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ यू नो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। सो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए एक छोटे स्केल पे मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए, सो एनीबडी कैन टेल? अभी तक हमने वर्डप्रेस डिस्कस किया है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखा है एंड आई टोल्ड यू कि वर्डप्रेस के ऊपर भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, लोकेश इज शॉपिफाई। यस, शॉपिफाई इज वन प्लेटफॉर्म विच वी यूज टू क्रिएट एन ई कॉमर्स साइट। करेंसी इज मेजेंटो, एब्सोल्युटली राइट। एनी अदर प्लेटफॉर्म्स? ओके, सो बिग कॉमर्स, राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो देर आर टू टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फर्स्ट इज
सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स। सो व्हाट आर सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सीएमएस जो हम यूज करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे हमने वर्डप्रेस यूज किया था, तो हम लोगों ने अपनी खुद की होस्टिंग बाय की, खुद की होस्टिंग परचेज की। सो दैट इज अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म बेसिकली, राइट? एंड दूसरे टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म्स यूजुअली कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां हमें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद द सर्वर एंड अलॉन्ग विद एवरीथिंग इट इज लाइव। हमें सिर्फ उसके ऊपर कॉन्टेंट जाके डालना होता है एंड वी जस्ट नीड टू क्रिएट बेसिक स्टफ। रेस्ट एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी इटसेल्फ। सो इफ यू टॉक अबाउट सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे पास ऑब्वियसली मेजेंटो सबसे पहले आता है। मेजेंटो इज द मोस्ट वाइडली यूज प्लेटफॉर्म्स अमंगस्ट द सेल्फ होस्टेड वंस। जस्ट अ मिनट, समबडी आस्किंग समथिंग। सो ओके, सो वुड वो कॉमर्स वर्डप्रेस सफाइस टू क्रिएट माय फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर? प्लीज रिकमेंड सम ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स। यस, सो ऑब्वियसली वर्डप्रेस पे हम लोग एक ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। देर इज अ प्लग इन इनसाइड वर्डप्रेस विच इज कॉल्ड वू कॉमर्स। सो वू कॉमर्स कैन बी यूज टू क्रिएट एन ई कॉमर्स साइट इजिली। बट येस, ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट एडवांस कम्पेयर टू मेजेंटो। बट एक बिगनर लेवल वेबसाइट के लिए, एक इनिशियल स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, वू कॉमर्स इज गुड इनफ टू बिगिन विथ। प्लस बेनिफिट क्या है वू कॉमर्स यूज करने का, कि ये बहुत एक लाइट प्लेटफॉर्म है, हल्का प्लेटफॉर्म है। सो एज सच वेबसाइट लोडिंग टाइम इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मेजेंटो इज अ हैवी प्लेटफॉर्म। सो हैवी प्लेटफॉर्म से मेरा बेसिकली मतलब क्या है, कि जो भी हम सर्वर खरीदेंगे या होस्टिंग खरीदेंगे, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ होस्टिंग और अ सर्वर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, जिसके अंदर बेसिकली जो इतने हैवी प्लेटफॉर्म को इजिली रन कर पाए बेसिकली। सो इफ अ प्लेटफॉर्म इज हैवियर, ऑब्वियसली वी नीड मोर सर्वर कैपेसिटी, मोर सर्वर बैंडविड्थ एंड ऑल दी थिंग्स टू रन इट स्मूथली, ताकि मेरी वेबसाइट का जो लोड टाइम है, वेबसाइट के ओपन होने का टाइम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। सो इनिशियली अगर मेरे को होस्टिंग पे या सर्वर पे उतना ज्यादा खर्चा नहीं करना है और मैं एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं वूकॉमर्स पे इजिली जा सकता हूँ। बट येस, ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड मेजेंटो बिकॉज इट इज मोर सेफर, इट इज अ मोर रॉबस्ट प्लेटफॉर्म, मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म। सो बट अगेन, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेजेंटो पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वी नीड अ होस्टिंग विच इज बेटर क्वालिटी, जो इतने हैवी प्लेटफॉर्म को रन कर पाए, तो ऑब्वियसली उसमें हमारी मंथली कॉस्ट बढ़ जाती है, रिकरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट? सो ओके, लोकेश सेज व्हाट अबाउट जूमला एंड द्रुपल? यार, जूमला भी यूज करते हैं लोग, द्रुपल तो काइंड ऑफ आउटडेट हो चुका है, अभी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। जूमला अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, बट जूमला इज नो वन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अभी नए अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। द कंपनी इज नॉट गिविंग मोर अपडेट्स अबाउट इट। तो जो पुराना वर्जन है वही यूज हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, वर्डप्रेस के हर कुछ महीने में एक नया वर्जन आ जाता है, तो हमें वो अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जूमला के अंदर अभी वो नए वर्जन नहीं आ रहे हैं, एंड द ओल्डर वर्जन विच वॉज देयर अर्लियर, दैट इज द ओनली वर्जन बींग यूज। उसके बाद अभी नया वर्जन नहीं आ रहा है मार्केट में। सो सर्टन पीपल आर यूजिंग इट, बट आई वुड सर्टनली नॉट रिकमेंड इट टू यू, बिकॉज एक तो यूजर फ्रेंडली उतना ज्यादा नहीं है जितना मेजेंटो या वूकॉमर्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो यू माइट नीड अ डेवलपर एट टाइम्स, जहां पे आपको एक डेवलपर की हेल्प लेनी पड़े अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कराने के लिए, बिकॉज आपको कंपनी से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई कम्युनिटी से सपोर्ट मिलेगा जूमला की, राइट? इफ यू वॉन्ट, इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म हमारे पास है, रादर टू प्लेटफॉर्म्स आर देयर। वन इज ओपन कार्ट, द अदर वन इज प्रेस्टा शॉप। आप ये दोनों प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। दीज टू आर अगेन सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स, बट अगेन मेजेंटो जितने लाइट नहीं है एंड मेजेंटो जितने हैवी नहीं है, सॉरी, एंड दे आर कंपेरेटिवली बेटर देन वू कॉमर्स इफ यू वॉन्ट। बट येस, अगर आपको बहुत बेसिक लेवल स्टार्ट करना, तो आई वुड रिकमेंड यू कैन गो विद वू कॉमर्स, बिकॉज वो आप लोगों को आता है यूज करना, आपने वर्डप्रेस पे ऑलरेडी काम किया है, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू यूज। आफ्टर दिस कमिंग बैक टू क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म्स, सो इन दिस वन वी हैव शॉपिफाई द फर्स्ट वन, देन बिग कॉमर्स, देन वी हैव 3D कार्ट इज देयर, एंड ऐसे काफी सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। वॉल्यूशन इज देयर, दे आर लाइक मोर देन 10-15 गुड प्लेटफॉर्म्स, बट द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ अमंग्स द क्लाउड होस्टेड वन इज शॉपिफाई।
एंड उसका बेसिक रीजन ये है कि शॉपिफाई के अंदर सब कुछ पहले से इनबिल्ट है, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तो इफ यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट अ सिंपल पेमेंट गेट वे इन शॉपिफाई, आपको सिंपल 3 क्लिक इंस्टॉलेशन है, आप 3 क्लिक्स के अंदर एक पेमेंट गेट वे इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कुछ भी कोड नहीं करना है अलग से, राइट? जो आपको एक कोडेड साइट में या मैजेंटो में हो सकता है कि आपको कोड करना पड़े या किसी डेवलपर की हेल्प लेनी पड़े, शॉपिफाई में आपको वो नहीं करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ दी मेजर पेमेंट गेटवेज, दे हैव देयर एप्स अवेलेबल जहां पे आप एक सिंगल क्लिक के साथ यू कैन सिंपली इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे ऐप एंड इंटीग्रेटेड विद शॉपिफाई. तो बहुत ईजी है करना. विद इन विद इन अ डे और 2 डेज यू कैन सिंपली क्रिएट अ जो शॉपिफाई बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट. तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप शॉपिफाई पे जाएं. दूसरी चीज क्या है कि आपको इसके लिए कोई सर्वर नहीं खरीदना, कोई होस्टिंग नहीं खरीदनी. शॉपिफाई खुद का सर्वर आपको देता है बिकॉज इट इज क्लाउड होस्टेड, एज आई टोल्ड यू. तो क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म्स का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, मेजेंटो या वू कॉमर्स आप यूज करते हो, आपकी होस्टिंग डाउन हो जाती है या आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यू आता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो ऑब्वियसली यू नीड सम पर्सन जो आपको हेल्प कर पाए, जो आपको सपोर्ट कर पाए वेबसाइट को मैनेज करने में, आपके सर्वर को मैनेज करने में. शॉपिफाई में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है. रीजन बीइंग, शॉपिफाई खुद ये सब कुछ मैनेज करता है. अगर शॉपिफाई का सर्वर डाउन होता है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड जितनी शॉपिफाई की वेबसाइट्स हैं वो सब पे इफेक्ट पड़ता है. तो शॉपिफाई टीम वर्क्स रियली हार्ड टू ऑब्वियसली मैनेज ऑल दोज थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट कि इतनी सारी साइट्स एक साथ डाउन हो जाए एंड इट हैम्पर्स देयर बिजनेस. तो उनके पास एक फुल फ्लेज्ड टीम है इसके लिए. सो यू डू नॉट नीड टू लुक आफ्टर कि मेरी सर्वर की प्रॉब्लम्स कुछ आ रही है नहीं आ रही, वो सब कुछ शॉपिफाई मैनेज करेगा. आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना लग से, आपको सिर्फ एक डोमेन नेम चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेबसाइट. सो इट इज दैट सिंपल, राइट? एनी क्वेरी सो फार? ओके ओके, कूल. सो नेक्स्ट थिंग इज इन्वेंट्री. सो हम लोगों ने देखा मार्केट प्लेस मॉडल में तो क्या है कि सिंपल जो ऑफलाइन सेलर्स हैं उन्हीं को हम लोग ऑनलाइन ले आते हैं एंड दे ओनली सेल. जैसे आपने अगर अमेजोन पे देखा है तो जो लोग दिल्ली में, दिल्ली को आप अगर जानते हो तो दिल्ली में कश्मीरी गेट है, करोल बाग, काफी सारे होलसेलर्स हैं. दीज आर दी ओनली पीपल हु आर एक्चुअली सेलिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म. इसके अलावा इंडिविजुअल सेलर्स भी हैं जो मार्केट से परचेज करते हैं और सेल करते हैं, या इनके खुद के ब्रांड्स भी हैं कुछ लोगों के. सो देर आर पीपल जिन्होंने ऑनलाइन खुद के ब्रांड्स स्टार्ट ही अमेजोन फ्लिपकार्ट से किए हैं. सो बट वेन इट कम्स टू ड्रॉप शिपिंग बिजनेस थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं. हम लोगों के पास मल्टीपल सेलर्स नहीं होते हैं बिकॉज एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस देखने में ऐसा लगेगा, फ्रंट एंड पे आपको वेबसाइट देखने से ऐसा लगेगा कि इंडिविजुअल सेलर्स नहीं है वेबसाइट पे, एंड ऑल दी प्रोडक्ट्स दैट आई एम सेलिंग इन माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस दे आर कमिंग राइट फ्रॉम माई वेयर हाउस. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. सो हाउ इट वर्क्स इज आई गेट एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड आई डू नॉट बाय एनीथिंग अप फ्रंट. मैं बाय करके अपने वेयर हाउस में नहीं रखता हूँ. जैसे ही मेरे पास कोई ऑर्डर आता है, आई स्टार्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. वंस आई रिसीव एन ऑर्डर, मेरे को कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है मेरी वेबसाइट पे, मेरे पास उस ऑर्डर की पेमेंट्स आ जाती हैं. आफ्टर दैट आई प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम प्रोडक्ट विद माई सप्लायर. फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, आई विल आस्क दैट मैन्युफैक्चरर टू सेंड दैट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेयर हाउस और देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डायरेक्टली टू द कस्टमर. तो मैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे अपना एक ऑर्डर प्लेस करूंगा होलसेलर या मैन्युफैक्चरर या जो भी मेरा सप्लायर है उसको, वंस आई रिसीव द ऑर्डर. सो इट्स लाइक अ नो रिस्क बिजनेस. मेरे पास कोई रिस्क नहीं है, मुझे अपफ्रंट इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, मुझे कोई वेयर हाउस नहीं मैनेज करना. आई जस्ट नीड द इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. मुझे वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डालना है एंड वंस इट इज देयर आई कैन स्टार्ट प्रमोटिंग इट. एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो आई कैन सिंपली प्लेस दैट ऑर्डर विद माई सप्लायर एंड द सप्लायर कैन डायरेक्टली शिप इट टू द कस्टमर डायरेक्टली, राइट? सो इन्वेंट्री के लिए अगर मैं बताऊं तो एज ऑफ नाउ अगर आपको ग्लोबली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस परस्यू करना है, सो चाइना इज द मेजर सोर्स फॉर इन्वेंट्री. तो देर आर सर्टेन वेबसाइट्स जहां से आपको ऑनलाइन डायरेक्टली सप्लायर्स मिल जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली सर्च फॉर सप्लायर्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. सो द मेजर प्लेटफॉर्म इज अली एक्सप्रेस, दिस इज वन प्लेटफॉर्म. सो
इट विल सीम लाइक अ वेबसाइट विच इज सिमिलर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मे बी ई बे, बट ओवर हेयर मेजोरिटी ऑफ द सेलर्स और सप्लायर्स दे सपोर्ट ड्रॉप शिपिंग. सो वट वी डू इज, लेट्स से इफ आई सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, लेट्स से I search for trekking bags. So suppose I like this one, for example. So I see this trekking bag is approximately 40 liters in size. The cost is approximately $21. I'll just see for what price others are selling such kind of a products in the US market. So once I know that, I will simply mark it up at a higher price. So I'm getting this for 21. Let's say I mark it up for something around $45 to $50 on my website and start advertising it. So the customer will pay me $50, and as soon as I return, as soon as I get the order, I'll simply just pay $21 to this particular supplier, and I just simply, you know, ask the supplier to send it across directly to my customer. You can see this customer, this particular supplier has an option. They can ship it directly from US as well. So I'll just put up the place as United States. Okay, so you can see I can ship it directly from the United States. It will be delivered by 13th of next month. So obviously it is a slow delivery. The supplier does not have fast delivery. So there are people, you can find people on this website who can deliver it in 7 days or 4 days as well. So different suppliers have different shipping. They're using different shipping companies. So there are people who can supply it in 7 days or 4 days as well. So we can look for that, but this one is genuinely slow. So we'll not go for this one, but yes, once we find the right supplier with right shipping times, we can simply go here and we'll find an option to contact this supplier. So over here you can see I can just simply send them a text, and once I get a reply from them, we can simply start talking to them, and we can also negotiate a price if we have good volume. You know, if I can just simply, if I'm able to sell, let's say 50 bags a day, so obviously I can negotiate a better price. The more volume I have, I'll be able to negotiate a better price from the supplier as well. So for every product, you can simply just, you know, contact the supplier and you can just simply have a better price if you have good volume. But to begin with as well, they won't mind simply sending one or two pieces directly to a customer. It's not that you have to buy in bulk or something. Aap ek particular order ke liye ek bag bhi bologe to wo log bhej denge, ek single product bhi bhejte hain. And koi agar simple $2-3 ka product bhi hai to wo usko bhi ship karte hain, aisa koi problem aapko nahi aayega isme. So this is one way of getting suppliers. Apart from this, we have websites like Oberlo. This is one more platform jahan se aap suppliers dhoond sakte ho. So Oberlo is one. Apart from this, there is one called S-Pocket. S-Pocket AliExpress jitna bada nahi hai, aapko product range utni zyada nahi milegi jitni aapko AliExpress se milti hai, but S-Pocket is a good option. Plus ek benefit jo aapko isme milega ke S-Pocket directly delivers from their US warehouse, so shipping times kam ho jate hain. China se karoge to obviously shipping time zyada rahenge. Okay, so Lokesh is asking, is there any Indian website for this purpose? Lokesh, hum AliExpress se India mein bhi kar sakte hain, but Indian market mein ek problem hai ki Indian market mein COD orders zyada rehte hain, cash on delivery orders. So usme thoda sa problem hai, plus India mein cash on delivery ki wajah se return rate bahut zyada hai, product returns bahut zyada aate hain. So if I'm not getting paid by the customer upfront,
अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट पहले चाइना से शिप करना पड़ेगा, फिर मेरे को चाइना वापस भेजना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए, या मेरे को अपने वेयर हाउस में मंगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अलग से वेयर हाउस भी मैनेज करना पड़ेगा फिर। तो रिटर्न्स की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में ये बिजनेस मॉडल अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं है। दिस इज वन बिजनेस मॉडल विच इज सक्सेसफुल मेजरली फॉर प्रीपेड ऑर्डर्स, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे उतना सक्सेसफुल नहीं है अभी तक। बट येस, इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि देर आर पीपल जिन्होंने जो जितना उनके ऑर्डर वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग वो डेली बेसिस पे ऑर्डर्स खरीदते रहते हैं सप्लायर से। सो दे बट हाँ, उसमें आपको खुद का वेयर हाउस मैनेज करना पड़ता है, और जितने भी आपका डेली ऑर्डर वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आप डेली बाय करते हो सप्लायर से, और डेली आप शिप करते हो डायरेक्टली, और जो भी रिटर्न आते हैं फिर वो आप अपने वेयर हाउस के अंदर रिटर्न मंगा के मैनेज करते हो। बट एज ऑफ नाउ अली एक्सप्रेस इट्स नॉट फीजिबल, बट हाँ आई कैन टेल यू अ सोर्स विच इज नॉट गुड एज गुड एज अली एक्सप्रेस, बट इट वर्क्स। सो देर इज एन ऐप कॉल्ड मीशो, सो यू कैन यूज दिस वन। इसके अंदर आपको काफी सारे ऐसे सप्लायर्स मिल जाएंगे, और ये मोबाइल ऐप बेस्ड भी प्लेटफॉर्म इनका है, सो यू कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड दिस ऐप एंड सिंपली यू कैन कॉन्टेक्ट दिस सप्लायर्स, यू कैन सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू वॉन्ट टू सेल, एंड जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं वहां पे आप डायरेक्टली सप्लायर को बोल सकते हो कि सप्लायर आपको भेजे, एंड इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आपके पास ऑर्डर आता है सप्लायर आपको भेजेगा, विद इन 1 or 2 days वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन सेंड इट डायरेक्टली टू योर कस्टमर। तो थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ ये मॉडल काम करता है। देर आर पीपल, देर आर कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल एज वेल, सो दिस वर्क्स प्रीटी फाइन, आप ये कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वॉन्ट द सप्लायर टू सेंड इट डायरेक्टली टू योर कस्टमर, वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि अगर रिटर्न करना है प्रोडक्ट तो वापस वो सप्लायर के पास ही जाता है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम, एंड वहां पे आपको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन यूज मीशो इफ यू वॉन्ट। एंड अगर आपको अपफ्रंट खरीदना है सप्लायर से बल्क में और वेयर हाउस मैनेज करना है, तो यू कैन ऑल्सो गो विद समथिंग लाइक इंडिया मार्ट, आप वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स से सप्लायर देख सकते हो। जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हम अली एक्सप्रेस पे देख रहे हैं वो इंडिया मार्ट पे आपको उसके सप्लायर्स मिल जाते हैं, तो ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको वो इनिशियली अपफ्रंट सर्टेन क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट खरीदो तो महंगा पड़ता है आपको, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं उस चीज में, सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद इंडिया मार्ट। अदरवाइज देर आर पीपल जिनको अपनी डेली क्वांटिटीज पता है कि मेरे को डेली बेसिस पे इतना ऑर्डर वॉल्यूम मेरे पास है, सो वो अपफ्रंट 4-5 दिन की इन्वेंट्री खरीद लेते हैं, एंड दे मैनेज दिस साइकिल अकॉर्डिंगली कि 4-5 दिन की इन्वेंट्री जैसे खत्म होने वाले दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो भी डन। बट उसके लिए आपको एक अलग से वेयर हाउस मैनेज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड यू विल ऑल्सो नीड अ टीम जो पैकिंग शिपिंग और रिटर्न हैंडल कर पाए, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट? सो दीज आर दिंग्स। इसके बाद मार्केटिंग के लिए ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन गो टू SEO, वी कैन गो टू फेसबुक एड्स, वी कैन गो टू गूगल एड्स, वी कैन गो विद ईमेल मार्केटिंग, वी कैन गो विद SMS मार्केटिंग, एंड कोई और फॉर्म ऑफ मार्केटिंग भी अवेलेबल अगर हमें है अकॉर्डिंग टू माई सुटेबल ऑडियंस, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी डू फॉर मार्केटिंग पर्पज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कस्टमर सपोर्ट के लिए मार्केटिंग पे हम लोग अभी आगे आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने फेसबुक एड्स एंड ऑल डिस्कस कर लिया है, SEO डिस्कस कर लिया है, गूगल एड्स पार्शली हम लोगों ने सर्च एड्स डिस्कस किए थे एज यू नो, बट शॉपिंग एड्स आर देयर विच आर स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में हमें डिस्कस करना है सच। सो कस्टमर सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, सो कस्टमर सपोर्ट के लिए यू नीड समबडी जो ईमेल सपोर्ट दे पाए, और इफ यू वॉन्ट टू गिव अ इंस्टेंट चैट सपोर्ट दैट कैन ऑल्सो भी डन, बट यू नीड अ टीम फॉर दैट ऑब्वियसली। सो इफ यू आर वर्किंग अलोन यू कैन गो विद ईमेल सपोर्ट, इफ यू हैव अ सेपरेट पर्सन विच कैन बी डेडिकेटेड विच यू कैन डेडिकेट फॉर चैट सपोर्ट दैट कैन ऑल्सो भी डन, और इफ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड टेलीफोन सपोर्ट दैट कैन ऑल्सो भी डन, बट अगेन यू नीड मोर मैन पावर फॉर दैट। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग, हाउ मच यू नो ऑर्डर वॉल्यूम यू हैव, हाउ मच स्टाफ यू कैन मैनेज, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज एन ऑप्शन फॉर वट काइंड ऑफ अ सपोर्ट यू वॉन्ट टू प्रोवाइड ऑन योर स्टोर। देन वी कम टू पेमेंट गेटवेज। अच्छा, किसी ने पेमेंट गेटवे यूज किया है अभी तक? किसी ने कोई कंपनी रजिस्टर की हो, कोई बिजनेस किया हो जिसमें आपको कभी पेमेंट गेटवे लेना पड़ा हो, आपने कोई पेमेंट गेटवे यूज किया हो?
पेपैल, ओके, एनी अदर पेमेंट गेटवेज? कोई और पेमेंट गेटवे आप लोगों ने सुना पेपैल के अलावा? ओके, स्ट्राइप, सीसी एवेन्यू, राइट राइट, सीसी एवेन्यू इज देयर, स्ट्राइप इज देयर, पेटीएम इज, यस पेटीएम ऑल्सो हैव अ पेमेंट गेटवे। ओके सो अब ये चीज हमें देखना है कि जब हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें कुछ ऐसे पेमेंट गेटवेज यूज करने पड़ते हैं जो मेजोरिटी हमें इंडिया में दिखते हैं वो पेमेंट गेटवेज काम नहीं करते हैं इंटरनेशनली, या काम करते हैं तो दे आर नॉट दैट इफेक्टिव कंपैरेटिवली। सो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में सबसे इफेक्टिव जो पेमेंट गेटवे है दैट इज स्ट्राइप, हम यूजली स्ट्राइप यूज करते हैं इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू चेकआउट एंड देर इज वन मोर पेमेंट गेटवे कॉल्ड रेजर पे, ये भी इंटरनेशनल पेमेंट्स देते हैं, दे एक्सेप्ट पेमेंट्स इन मोर देन 100 करेंसीज, तो ये भी यूज कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली सीसी एवेन्यू इज देयर, पेटीएम इज देयर, और भी काफी सारे पेमेंट गेटवेज हैं, एटम पे इज देयर, हम इनमें से भी कुछ यूज कर सकते हैं। बट यस, अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो स्ट्राइप इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ विच आई हैव कम अक्रॉस। रीजन बींग के बाकी पेमेंट गेटवेज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या है कि हम सप्लायर्स के थ्रू प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, तो एट टाइम्स प्रोडक्ट थोड़ा डिले हो जाता है, लॉजिस्टिक्स में फंस जाता है। सो वॉट हैपन्स इज के समटाइम्स देर आर चार्ज बैक्स, कस्टमर्स ऑर्डर रिटर्न कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, एंड वहां पर पेमेंट गेटवे जो कंपनीज हैं दे टेक एन एक्शन ऑन अस, और हमारा जो पे आउट है वो कई कई महीनों तक फंस भी जाता है बहुत बार। सो दैट इज वन प्रॉब्लम विद सम ऑफ द पेमेंट गेटवेज। सो आई वोंट रिकमेंड यूजिंग टू चेकआउट और रेजर पे इफ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, स्पेशली टू चेकआउट यू डू नॉट यूज इट फॉर ड्रॉप शिपिंग। इफ यू हैव अ इन्वेंट्री बेस्ड स्टोर और आपको पता है कि आप 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम 7 डेज में आप शिप करके डिलीवर कर दोगे, देन यू कैन गो विद टू चेकआउट, अदरवाइज आई आस्क यू, आई प्रेफर गोइंग विद स्ट्राइप इटसेल्फ, राइट? स्ट्राइप इज ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली पेमेंट गेटवे आई वुड से। इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है बट काफी कम है कंपेरेटिवली, सो स्ट्राइप इज द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ दैट वी हैव, सो आई वुड रिकमेंड यू गो विद स्ट्राइप। एनी एनी क्वेरी सो फार? ओके सो द लास्ट थिंग इज अ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल दैट वी नीड। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स आते हैं, काफी एक्सपेंसिव टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, आप लोगों ने कोई ऐसा टूल यूज किया है अभी आपकी कंपनी में जहां आप काम कर रहे हो वहां यूज हो रहा हो, या आपने सुना हो या ट्राई किया हो ऐसे रैंडमली कोई प्रोडक्ट ऐसा? ओके सो लोकेश इज सेइंग हबस्पॉट, राइट? हबस्पॉट इज वन, एनी अदर सीआरएम? सेल्सफोर्स, यस। ओके, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स इज काफी एक्सपेंसिव टूल्स हैं, यस करण। फ्रेश डेस्क इज देयर, सो फ्रेश डेस्क इज वन प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज फॉर सीआरएम पर्पस। ऑब्वियसली हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ, सो फॉर अ स्मॉल बिजनेस इट इज वेरी, यू नो, इट इज नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज सच अ प्लेटफॉर्म। सो फ्रेश डेस्क इज वन प्लेटफॉर्म दैट वी यूज फॉर सीआरएम पर्पस, एंड इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली टिकटिंग सिस्टम जो है, जैसे आप अगर कभी किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पे ईमेल करते हो या कॉल करते हो, सो दे हैव अ टिकट आईडी फॉर यू, तो सेम वैसा ही आप एक पूरा सिस्टम यहाँ पे सेटअप कर सकते हो फ्रेश डेस्क यूज करके। सो विल कवर दिस एज वेल इन ब्रीफ, हम छोटा छोटा इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट विल डिस्कस इट, राइट? हाउ टू सेट इट अप एंड हाउ टू यूज इट इन ब्रीफ। सो दीज आर द 6 मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ अ ई कॉमर्स बिजनेस दैट वी हैव टू, यू नो, मैनेज फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस, वो चाहे एक मार्केट प्लेस मॉडल पे हो या ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे हो या इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे हो, ये 6 डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट हर ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर काम करते हैं। देर आर अदर्स एज वेल, ऑब्वियसली एज आपका बिजनेस ग्रो करेगा जैसे जैसे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और जो आपका टीम साइज है वो बढ़ता जाएगा, इट विल ग्रो बिगर एंड बिगर, बट दीज आर द 6 बेसिक थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू स्टार्ट विद एन ई कॉमर्स बिजनेस फर्स्ट, राइट? सो
दिस इज इट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स नाउ, एंड आफ्टर 5 मिनट्स विल कम बैक एंड विल डिस्कस अबाउट गूगल शॉपिंग एड्स एंड प्रोडक्ट रिसर्च. राइट, एनी क्वेरीज सो फार? ओके कूल, सो विल सी यू बैक इन 5 मिनट्स. 5 मिनट का ब्रेक है, राइट नाउ इट्स 4:40, हम 4:45 पे मिलते हैं. राइट, सो ठीक है, 4:45 में मिलते हैं. भाई मैं एक बार बस कॉलिंग ऑफ कर रहा हूँ.